बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने पिछले कुछ सालों में कई बेहतरीन रोल्स किए हैं, पर उनकी लाइफ का अब तक का बेस्ट रोल माना जाता है फिल्म ओमकारा का लंगड़ा त्यागी, जिसके लिए सैफ को क्रिटिकल एक्लेम भी मिला। हाल ही में सैफ से उन एक्टर्स के साथ काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया जो इस इंडस्ट्री से नहीं है और स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। इस पर सैफ ने कहा कि वो समझते हैं कि वो प्रिविलेज्ड हैं और दूसरे एक्टर्स की स्ट्रगल की रिस्पेक्ट करते हैं। इतना ही नहीं, सैफ ने कहा कि उनके लिए ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट गेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सैफ ने कहा वो लोग प्योरली अपने टैलेंट के बेसिस पर यहाँ तक पहुँचे हैं, जबकि फ्रैंकली हम जैसे लोगों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है। सो गिवन दैट अंडर करेंट वेन यू आर ऑन सेट एंड यू डू अ सीन एंड यू आर एज प्रिपेयर्ड एज एनी वन एल्स एंड यू डिलीवर अ लाइन विच इज़ ऑन पार विद इफ नॉट बेटर देन एवरी वन देन यू फील बेटर। और उन लोगों की रिस्पेक्ट गेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है। जब सैफ ने नेपोटिज्म की बात की गई और पूछा गया कि एक बार करण जौहर उन्होंने और वरुण ने कहा था कि नेपोटिज्म रॉक्स, इस पर सैफ ने कहा कि वो एक प्री प्लान जोक था और वो किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहते थे, पर जब उन्हें पता चला कि कंगना को इस बात का बुरा लगा है तब उन्होंने कंगना को खुद कॉल करके उनसे माफ़ी मांगी थी। एंड में सैफ ने कहा दैट शुड बी द एंड ऑफ इट, एवरीबडी नीड्स टू टेक अ चिल पिल एंड बैक ऑफ।